हेलो दोस्तों, मैं इस चैनल में जो कि अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के नाम से है, इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे। 11वीं क्लास के रसायन विज्ञान की पढ़ाई करने से पहले हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि 11वीं क्लास में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में जो पहला चैप्टर दिया गया है वो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं पर चलने से पहले हम पहले की बातें दोहराना चाहते हैं जो कि रसायन विज्ञान से संबंधित है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो जिसके अंतर्गत हम रासायनिक पदार्थों, उनके गुणधर्मों आदि का अध्ययन करते हैं। ये तो हम परिभाषा के रूप में साधारण रूप में समझ सकते हैं, लेकिन रसायन विज्ञान की जो आपके इस 11वीं क्लास में जो पहला चैप्टर दिया गया है वो रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं हैं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जैसा कि एक वैज्ञानिक रोल्ड हॉफमैन ने बताया कि रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल एक 100 यानी जो 100 तत्व हैं, यानी इस समय 118 तत्व, उन तत्वों का विज्ञान है, बल्कि उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। कहने का तात्पर्य है कि हम सिर्फ 100 तत्वों का ही अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि या जितने अब तक खोजे गए तत्व हैं उन्हीं का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि उनके अणुओं, परमाणुओं आदि के द्वारा जो असंख्य यौगिक बनते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। उन यौगिकों के गुणधर्मों का, उनके कैरेक्टर्स का, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, सभी प्रॉपर्टीज़ का हम लोग अध्ययन करते हैं और इनके सामूहिक स्टडी को हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं के अंतर्गत आएगा। वैसे यदि हम रसायन विज्ञान के जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत आपके सिलेबस में पहले इसका इतिहास दिया हुआ है, रसायन विज्ञान का जो विकास हुआ है हम उस पर चलते हैं। रसायन विज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री बच्चों, केमिस्ट्री का प्रादुर्भाव, वैसे तो जो आधुनिक केमिस्ट्री है उसका प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी के आसपास हुआ, लेकिन जाने अनजाने या तो
पहले के वैज्ञानिक जानते थे या नहीं जानते थे। हम लोग देव और दानव की चर्चा कभी कभी करते हैं। यदि देवताओं के द्वारा पिया जाने वाला सोमरस, जिसे आज हम शराब के नाम से जानते हैं, वो रासायनिक पदार्थ है और हम लोग दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। हमने देखा होगा कि ये लोहे में जंग लग जाती है। ये सब रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है, किंतु यदि इसके इतिहास की हम चर्चा करें, इसका विकास कैसे कैसे हुआ, यदि उसकी चर्चा करना चाहते हैं, तो हम पुराने समय में जो वैज्ञानिक हुए हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। पुराने समय के जो भारत में रसायन को हम लोग जो है रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसक्रिया या रसविधा कहते थे, इसमें धातुकर्म, औषध, कांतिवर्धक पदार्थ, कांच, रंजक आदि शामिल हैं। इन चीज़ों को हम लोग अध्ययन करते थे उस समय, या उस समय के वैज्ञानिक इनका अध्ययन करते थे, और किन किन पदार्थों से धातुएं प्राप्त हो सकती हैं, या किन पौधों से औषधि प्राप्त हो सकता है, या किन किन पदार्थों से शरीर में कांति यानी चमक उत्पन्न हो सकती है, यानी चेहरे में जो एक लाइट होता है वो उत्पन्न हो सकता है, या फिर कांच कैसे बनता है, या रंजक यानी पिगमेंट, इसका मतलब है रंग, रंग किन चीज़ों से प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकता है आदि का जिक्र जो है इस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जैसे हम रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसक्रिया या रसविधा के नाम से जानते थे। इसके अलावा यदि हम जो साक्ष्यों और प्रमाणों पर आधारित सबसे पुरानी सभ्यता मोहनजोदड़ो की चर्चा करें, मोहनजोदड़ो में ग्लेज किए हुए मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। घरों को बनाने के लिए जिप्सम सीमेंट का उपयोग किया जाता था, जिसमें चूना, रेत, सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता था। हड़प्पा के लोग हेयंस बनाते थे, जो एक प्रकार का कांच होता है, जिसका उपयोग आभूषणों में किया जाता था उस समय। शीशा, चांदी, सोना और तांबा जैसी धातुओं को पिघलाकर और फोर्जन द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे उस समय के लोग, जैसा कि हमको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त हुआ है। भारत में तांबे के धातु कर्म का प्रारंभ भारतीय उपमहाद्वीप में ताम्र युग, जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा इतिहास या सामाजिक विज्ञान में, ताम्र युग, लौह युग आदि का जिक्र हुआ है। तो जब ताम्र युग था, उसके प्रारंभ से ही जो है तांबे के धातु कर्म का उपयोग भारत में होता था। आप लोगों ने वेदों का नाम सुना होगा, जैसे चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये चार वेद हैं, जिनमें सबसे प्राचीन आपका जो है ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद जो कि 1000 से 400 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, उस समय चमड़े का कार्य होता था, चमड़े के वस्त्र बनते थे या चमड़े के अन्य चीज़ें जो है बनाने का कार्य होता था, जिसे हम चर्म संस्करण कहते हैं, और कपास को रंगने का कार्य भी होता था।
यह सब ऋग्वेद के समय में होता था। यदि रंगने का कार्य हो रहा है, रंजक का यानी पिगमेंट का कार्य हो रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर रसायन विज्ञान उपस्थित है, यानी रासायनिक पदार्थों का कार्य हो रहा है। और रसायन विज्ञान किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपस्थित है। आपने कौटिल्य चाणक्य का नाम सुना होगा, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। उन्होंने अर्थशास्त्र में समुद्र से लवण प्राप्त करने का जिक्र किया है, उसका वर्णन भी किया है उन्होंने। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ने पर ये पता चलता है। भारतवर्ष की सबसे प्राचीन संहिताओं में से एक सुश्रुत संहिता, जिसमें शल्य चिकित्सा का वर्णन है। अन्य जितनी भी संहिताएं हैं भारतवर्ष में, उन सभी में औषधियों का वर्णन किया गया है, किंतु यही सुश्रुत संहिता एक ऐसी संहिता है, ऐसा शास्त्र है, जिसमें चीड़ फाड़ की व्यवस्था की गई है। यानी वर्तमान समय में जो हम लोग ऑपरेशन की चर्चा करते हैं, सुश्रुत संहिता में ऑपरेशन की चर्चा थी, लेकिन बहुत विस्तृत स्तर पर नहीं। जैसे फोड़े फुंसियों या त्वचा के आसपास ऊपरी स्तर पर जो भी रोग थे, उनको शल्य चिकित्सा द्वारा ठीक करने की व्यवस्था सुश्रुत संहिता में है। सुश्रुत संहिता में क्षारकों का महत्व समझाया गया है। एक और प्राचीन संहिता है, जिसे हम चरक संहिता के नाम से जानते हैं, जिसे महर्षि चरक ने लिखा था। महर्षि चरक ने अपनी चरक संहिता में पुराने समय के उन भारतीयों का जिक्र किया है, जिनको सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल व तांबे, टिन, जस्ते के ऑक्साइड व तांबा, जस्ता, लोहा आदि के सल्फेट एवं सीसा और लोहे के कार्बोनेट बनाना आता था, उनका भी जिक्र चरक संहिता में किया गया है। ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रसायन विज्ञान कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्राचीन समय से ही उपस्थित है, बहुत समय से उपस्थित है हमारे आपके बीच में, लेकिन हम उसे सही रूप में, यानी जिस रूप में आज हम जानते पहचानते हैं, उस रूप में वो नहीं था, बल्कि उसका स्वरूप दूसरा था। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। हम चर्चा कर रहे थे चरक संहिता की। एक और उपनिषद है जिसे हम रसो उपनिषद कहते हैं। रसो उपनिषद में बारूद बनाने का विवरण है, वहाँ पर मिलता है रसो उपनिषद में। तमिल का एक साहित्य है जिसमें हम गंधक, चारकोल साल्टपीटर, जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं, पारा, कपूर आदि के उपयोग से पटाखे बनाने का विवरण है। इसी प्रकार एक महान भारतीय वैज्ञानिक हैं नागार्जुन, जिनकी एक रचना है रसरत्नाकर, जिसमें उन्होंने पारे के यौगिकों से संबंधित यौगिकों का विवरण दिया हुआ है। उन्होंने धातुओं जैसे सोना, चांदी, टिन और तांबे के निष्कर्षण का वर्णन इस रस रत्नाकर में किया हुआ है। तो मैं इन सब चीज़ों की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आपके जेहन में ये बात आए कि हमारे भारतवर्ष में रसायन विज्ञान बहुत प्राचीन समय से है, और इस प्राचीन समय से होने के बावजूद जब तक
पाश्चात्य दर्शन कहिए या फिर पाश्चात्य से रसायन विज्ञान का ज्ञान नहीं आया तब तक हम अधूरे थे। इसी के आगे हम और चर्चा कर रहे बच्चों, जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रहा था कि प्राचीन काल के जो हमारे रसायनज्ञ आप कह सकते हैं या महर्षि ऋषि जिनके पास रसायन का ज्ञान था, इसी कड़ी में कक्रपाणि एक वैज्ञानिक कह हम सकते हैं कि कक्रपाणि जो है इन्होंने मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज किया था और साथ ही साथ इन्होंने साबुन की भी खोज किया था। इसके लिए उन्होंने सरसों का तेल लिया और कुछ छाल का उपयोग किया और उसकी मदद से उन्होंने उस समय साबुन बना दिया था। भारतीयों ने 18वीं शताब्दी में साबुन बनाना प्रारंभ किया। जो कक्रपाणि हैं उन्होंने तो बहुत पहले बनाया था, लेकिन जो निरंतरता के क्रम में साबुन जब से हम जानना शुरू कर दिए हैं कि साबुन का उपयोग होता है, उसमें भारतीयों ने 18वीं शताब्दी में इसे प्रारंभ किया था, जिसमें वो साबुन बनाने के लिए अरंड यानी रेणी का तेल, महुए का बीज और कैल्शियम कार्बोनेट इन तीनों का उपयोग करके ये साबुन बनाते थे। आगे जो हमारे एक और वैज्ञानिक हैं वाराह मिहिर, इन्होंने बृहत संहिता लिखा था और बृहत संहिता में उन्होंने दीवारों, छतों, घरों और मंदिरों पर लगाए जाने वाले जो लसदार पदार्थ होता है, जिससे जो है हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से जोड़ सकें, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से जोड़ सकें, ऐसा लसदार पदार्थ बनाया था, इसकी जानकारी उनको थी। इसे केवल जो है पौधों, फलों, बीजों, छालों, इनके रस से बनाया जाता था, जिन्हें ये उबालकर गाढ़ा करने के बाद उसमें कई प्रकार के रेजिन मिलाते थे और तैयार करते थे। बारह मीर के जो बृहत संहिता है उसमें इत्र और कांति वर्धक का भी उल्लेख है, जिसमें चेहरे की चमक की चर्चा जो मैंने किया, कांति आ जाती थी, ऐसे पदार्थों का भी ये जो है निर्माण करते थे। बालों को रंगने का जो रंग बनाने का जो पौधा होता है उसमें नील और कुछ खनिज में जैसे लोहे का चून, काला लोहा या स्टील, चावल के खट्टे दलिए आदि का अम्लीय सत्व लेकर के इसका उपयोग करते थे और रंग बना लेते थे और बालों को रंगने का कार्य हो जाता था। तो यदि हमने रंग बना लिया या फिर जो है जो अभी तक हमने चर्चा किया ये पदार्थ हमने बनाया, ये सभी रासायनिक पदार्थ हैं और रसायन विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। भारत में जो कणाद हैं जिन्हें हम कश्यप के नाम से जानते हैं, इन्होंने बहुत पहले ही 600 ईसा पूर्व में ही ये बात बताया था कि द्रव्य अविभाज्य कणों से बना है। उन्होंने परमाणु सिद्धांत भी दिया था। उन्होंने बताया था कि पदार्थ अति सूक्ष्म,
अविभाज्य कणों से बना है। उन्होंने इसे परमाणु नाम दिया था, परमाणु सिद्धांत भी दिया था। इसका जिक्र उन्होंने वैशेषिका सूत्र नामक एक पुस्तक है उसमें किया। उन्होंने बताया कि सभी पदार्थ छोटी छोटी इकाइयों का समूह है। ये पदार्थ ये अनादि अनंत अविभाज्य और गोलाकार, मतलब अनादि का मतलब जिसका आदि न हो, यानी जिसकी शुरुआत न हो, जिसका अंत न हो, ऐसे अविभाज्य कणों से बने हैं और ये गोलाकार होते हैं, अति गुणग्राही होते हैं और तथा जो है ये मूल अवस्था में गतिशील होते हैं। इनकी जो मूल अवस्था होती है गतिशील होते हैं। आज भी हम जब पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कंपन करते रहते हैं। यदि ठोस को देखें तो वो भी जो है वाइब्रेशन करते हैं, कंपन करते रहते हैं अपनी जगह पर, अपने मध्य स्थिति के दोनों तरफ कंपन करते हैं। ये बात उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था, 600 ईसा पूर्व ही बता दिया था इस चीज़ को। ये कणाद यानी कश्यप जी, इन्होंने यह भी बताया कि परमाणु अनेक प्रकार के होते हैं और पदार्थों के विभिन्न वर्गों के अनुसार इनमें भिन्नता होती है। आज जैसा कि हम 100 से अधिक तत्वों को पढ़ते हैं, यानी वो अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग पदार्थ हैं, तो ये कई वर्गों के में विभक्त होते हैं, ऐसा उन्होंने 600 ईसा पूर्व में ही बताया था। उन्होंने कहा कि अन्य संयोजनों के अतिरिक्त दो या दो से अधिक या दो या तीन परमाणु जुड़ते हैं या जुड़ सकते हैं। ये सिद्धांत उन्होंने 2500 साल पहले डाल्टन के बताया था, यानी डाल्टन ने जब यह सिद्धांत बताया उसके 2500 वर्ष पहले ही इस सिद्धांत को उन्होंने बता दिया था। चरक संहिता भारत का सबसे पुराना आयुर्वेद का ग्रंथ है। इसमें रोगों के उपचार का वर्णन किया गया है, जिसमें कई तरह के पदार्थ बनते हैं, या कह सकते हैं कि कई तरह की दवाएं होती हैं, जैसे रस रसायन होता है, गुटिका होता है, चूर्ण होता है, अवलेह होता है, भस्म होते हैं, अनेक तरह से जो है ये आयुर्वेद में अध्ययन किया जाता है औषधियों का, और उपचार भी किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार आप चरक संहिता की ही माने तो ये कहता है कि घर्षणम गुणवर्धनम, यानी औषधि को जितना आप घर्षण करें, यानी जितना ही उसको आप घोटते हैं उसमें गुणों की वृद्धि उतनी अधिक हो जाती है। ये जो हमारा भस्म होता है ये नैनों के स्तर का होता है, और नैनों के स्तर का होने के कारण ये अधिक कारगर होता है। 20वीं शताब्दी में जब पाश्चात्य चिकित्सा आई, पाश्चात्य का मतलब है कि एलोपैथी जब आई, एलोपैथी चूंकि बहुत तेज़ी से कार्य करता है, इस कारण से भारतीय जो औषधि यानी चिकित्सा पद्धति थी वो पिछड़ गई। पाश्चात्य चिकित्सा के आने और उसके प्रचलित होने पर
ये क्षीण हो गया, कौन? आयुर्वेद। और धीरे धीरे हम उसे भूलते जा रहे हैं। तो इस तरह से रसायन विज्ञान का जो विकास है भारतवर्ष में, ऐसे होता रहा और 20वीं शताब्दी में हम इस स्तर पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर हम जुड़ चुके हैं और विश्व में कोई भी खोज होती है तो वो सबकी जानकारी में हो जाता है। और आज हम वैश्विक स्तर से जुड़े हुए हैं और इसीलिए हम अब आगे उसी स्तर के का अध्ययन करेंगे। इसमें जो रसायन विज्ञान के महत्व की चर्चा हो रही है, अभी तक तो हमने रसायन का जो है, रसायन विज्ञान का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ये देखा कि किस तरह से रसायन विज्ञान का विकास हुआ। लेकिन रसायन विज्ञान का महत्व, इसे हम समझें कि रसायन विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है। अगली चीज है रसायन विज्ञान का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, रसायन विज्ञान आपने जो है जाना कि किस तरह से इसका विकास हुआ। अब इसके महत्व को हम व्यावहारिक स्तर पर देखते हैं कि किस तरह से जो है ये महत्वपूर्ण है। हम इसे यदि रसायन विज्ञान को कई शाखाओं में बांटकर पढ़ें तो आसान हो जाता है। रसायन विज्ञान में वैसे तो हम तीन शाखाओं में मुख्य रूप से बांटते हैं, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। किंतु कुछ अन्य क्षेत्र हैं जैसे कृषि, औषधि के अलावा विश्लेषिक रसायन आदि को हम धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं। आज हम यदि ये चाक भी बनाते हैं तो हमें पता होता है कि इस चाक में क्या क्या चीज़ें हैं, और निश्चित रूप से ये पदार्थों से मिलके बना हुआ है या पदार्थ से मिलके बना है, और इसके रासायनिक गुणों के विषय में हमें पता है। यहाँ पर भी रसायन विज्ञान उपस्थित है। अब चलते हैं हम अपने कृषि क्षेत्र में। आज से 20-25 वर्ष पहले भारतवर्ष में या उसके भी पहले, जब हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं करते थे, हमारे जो फसलें हैं ये शुद्ध नस्ली हुआ करती थी, यानी हाइब्रिड नहीं होता था, संकर नहीं होता था। उस समय पैदावार इतनी कम होती थी कि भारतवर्ष की पूरी जनसंख्या को भारतवर्ष खुद उसका पेट नहीं भर पाता था, उसे बाहर से आयात करके धान्यान्न या जो है अन्न मंगाना पड़ता था, तब जाकर पूर्ति होती थी। लेकिन ये रसायन विज्ञान की ही देन है कि आज अनेक ऐसे उर्वरकों का निर्माण हो चुका है जिसके कारण पैदावार में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, और
वृद्धि हो रही है। हम बीजों को, जो रोगग्रस्त बीज थे उनको बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से रोग ग्रस्त के बजाय शुद्ध या फिर कहिए कि निरोगी बीज बनाने में सफल हो गए हैं। और ऐसे ऐसे बीज बन गए हैं या हमने पैदा कर लिया है जिसमें रोग नहीं लगता है और पैदावार भरपूर मिलती है। इसी तरह से यदि आप मेडिकल स्टोर पर जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी दवाएं रखी रहती हैं जो कि रासायनिक उत्पाद हैं, और इन्हीं रासायनिक पदार्थों से हम बहुत सारे रोगों को ठीक करते हैं और अपने आप को निरोगी बना लेते हैं और हम निरोगी हो जाते हैं। सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर आप जाएं, वहाँ आप देखेंगे कि जितने भी पदार्थ सौंदर्य से संबंधित हैं अधिकतर, चाहे वो आभूषण हो जिन पर पानी चढ़ाया गया हो सोने चांदी आदि के, वो भी रासायनिक पदार्थों के उपयोग से बने हैं। पाउडर क्रीम आदि का उपयोग भी रासायनिक पदार्थों के द्वारा ही उनको भी बनाया गया है। बालों में लगाने वाले तेल आदि का निर्माण भी रासायनिक पदार्थों से हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस जगह भी रसायन विज्ञान उपस्थित है। इसी प्रकार हम लोग जिन रोडों पर चलते हैं, पत्थर कंकड़ के अलावा देखते हैं कि कुछ पदार्थ डाला जाता है इन छोटे छोटे कंकड़ों को चिपकाने के लिए, तारकोल, ये भी रासायनिक पदार्थ है। इसी प्रकार हम भवन को देख रहे हैं, भवन के बनने में सीमेंट भी रासायनिक पदार्थ है। आज हमारे किचन में आप पहुंच जाइए, किचन में जितने भी बर्तन आपको दिखाई देंगे बगैर रासायनिक विज्ञान के उपयोग के, वो आपको बने नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार गैस चूल्हा या सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वो भी रसायन विज्ञान की देन है। इसी प्रकार हम मोटर बाइक, कार, स्कूटर आदि को चलाते हैं, उसमें पड़ने वाला ईंधन बगैर रसायन विज्ञान के, उसके शोधन के ये वाहन नहीं चल सकता है। आप अपराध जगत में देखें, एक्सरे, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड आदि का उपयोग करके हम, या फिर फिंगरप्रिंट आदि का उपयोग करके अपराध को कम करने का प्रयास करते हैं, और इन सब में भी यदि रसायन विज्ञान को हटा दिया जाए तो सारे कार्य बाधित हो जाएंगे। अपराध के अलावा आज
पूरा विश्व कोरोना वायरस से त्रस्त है। यदि रसायन विज्ञान भविष्य में यदि इसकी दवा खोजी जाती है और रसायन विज्ञान इसमें अपना सहयोग न दे तो उपचार संभव नहीं है, उपचार संभव नहीं दिखता है। आप जिस भी क्षेत्र को अपनी निगाह से देखेंगे आपको हर जगह रसायन विज्ञान दिखेगा। दीवालों पर जो पोताई की गई है, रंग रोगन किया हुआ है, पिगमेंट लगाया गया है, ये सब रसायन विज्ञान की देन है। बगैर रसायन विज्ञान के छपाई के क्षेत्र में देखें, किताबें छपती हैं इसकी स्याही या फिर कॉपी किताब, ये सब बगैर रसायन विज्ञान के संभव नहीं है। कोई भी क्षेत्र जो आप सोच सकते हैं वहाँ रसायन विज्ञान मौजूद होगा। तो हम रसायन विज्ञान का महत्व पढ़ रहे हैं। आप कह सकते हैं, आप चेयर देखते हैं, कुर्सियाँ, बगैर रसायन विज्ञान के कुर्सियाँ जो प्लास्टिक की होती हैं वो संभव नहीं है बनना। बहुत सारे फाइबर्स हैं, आजकल तो बिल्डिंग्स भी जापान जैसे स्थानों पर बन जाता है जहाँ पर भूकंप बहुत आता है, भूकंप जोन में है। कुछ प्लास्टिक्स के भवन बन जाते हैं और भूकंप के चले जाने पर फिर से वो खड़ा करके अब उसी भवन में रह लेते हैं। आप हॉस्पिटल में पहुंच जाइए, जितने पदार्थ आपको दिखेंगे उनमें कहीं न कहीं रसायन विज्ञान आपको दिखेगा। होर्डिंग्स लगती है, रसायन विज्ञान वहाँ मौजूद है। चाहे उसका जो है होर्डिंग का जो चद्दर है या उसमें लिखावट, सब रसायन विज्ञान की देन है। तो आप कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है और इस विज्ञान के बगैर हम किसी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि रसायन विज्ञान को अपने जीवन से निकाल दिया जाए तो हमारा जीवन ऐसा लगेगा कि निरर्थक हो गया है और हम असुविधापूर्ण तरीके से जीवन जिएंगे। इस प्रकार आप रसायन विज्ञान के महत्व को समझ सकते हैं। जितने भी रोग हैं, चाहे एड्स हो, कैंसर हो आदि का जो है आदि की दवा भी रसायन विज्ञान द्वारा कुछ न कुछ जो आई है आज तक वो बनाई गई है। रसायन विज्ञान के कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि ओजोन की परत का क्षय होना या फिर जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन की परत, ओजोन लेयर एक कार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो
ऊपर जाकर संताप मंडल में। ओजोन से रिएक्शन करके उसकी परत को कमजोर बना रहा है, लेयर को कमजोर बना रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें मुख्य रूप से आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं और इनकी वजह से यदि पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान थोड़ा सा भी 2-3 सेंटीग्रेड भी अधिक हो गया संपूर्ण तापमान, तो ग्लेशियर्स के पिघलने का खतरा है और जिसकी वजह से समुद्र का जलस्तर ऊंचा हो सकता है और छोटे छोटे द्वीप के डूबने की आशंका है। तो इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं लेकिन ज़्यादातर इसके महत्वपूर्ण प्रयोग हैं और जिसका लाभ हम उठा रहे हैं। बच्चों, ये रसायन विज्ञान के महत्व के बाद हम लोग द्रव्य की प्रकृति के विषय में समझते हैं कि द्रव्य किस प्रकृति का होता है। पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं कि द्रव्य की प्रकृति, अगली हेडिंग है द्रव्य की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर। द्रव्य की प्रकृति, जैसे कि आप लोग कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं कि द्रव्य अपने आसपास आप देखते हैं बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल आदि जो है ये सब द्रव्य ही तो हैं। जो द्रव्य आप देखते हैं इनमें आपकी हवा भी हो सकती है, बहुत सारी गैसेज होती हैं, जल है, ये सभी द्रव्य हैं। और इस तरह से द्रव्य की कुछ अवस्थाएं होती हैं, आप जानते हैं कि द्रव्य 3 अवस्थाओं में पाया जाता है और इन 3 अवस्थाओं को आप बखूबी जानते हैं कि पहला है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तो द्रव्य 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोसों के संबंध में आपने पहले से जाना हुआ है पिछली कक्षाओं में कि ठोस का एक निश्चित आकार होता है, ये स्थान घेरता है और इनके कण बहुत पास पास होते हैं। जिन कणों से ये मिलके बने हैं ये बहुत पास पास होते हैं और ये 2 कणों के बीच में जो तीसरा कण है ये अपनी माध्य स्थिति, माध्य स्थिति का मतलब है कि जो मान लीजिए ये कण हैं ऐसे हैं, यहाँ ऊपर भी है नीचे भी है, तो इन दोनों का जो मध्य होता है वो माध्य है, ये मध्य हो गया। अब ये इस तरफ नहीं आएगा बल्कि अपने इसी माध्य स्थिति जो मध्य है इसके नीचे, इसके ऊपर, इस माध्य स्थिति के ऊपर ये धीरे धीरे ऐसे वाइब्रेशन करेगा, कंपन करता है और ये ऐसा नहीं होता है कि दूसरे कण के क्षेत्र में चला जाए, दूसरे कण के रीजन में नहीं जाता है बल्कि अपने ही कण, अपने ही क्षेत्र में ये अपने दोनों स्थितियों के इधर उधर ये कंपन करता रहता है।
जैसे यहाँ हम चित्र में बना के देखते हैं, ऐसे मान लीजिए जैसे हमारा एक लोलक होता है, तो माध्य स्थिति का मतलब होता है जैसे यहाँ पर है, स्थित है। अब इस अगर हमने इसको थोड़ा सा वाइब्रेट कर दिया, हल्का सा हल्की सी ऊर्जा दे दिया, वो भी काइनेटिक एनर्जी दे दिया, तो ये इस तरफ जाता है। इसकी एक निश्चित सीमा होती है कि यहाँ किस दूरी तक ये जाएगा, क्योंकि इस पर जो है यहाँ टेंशन बल लगता है, तनाव बल लगता है, और ये इसको इस तरफ खींचता है, तो एक निश्चित स्थिति तक ये इस तरफ जाता है जितनी ऊर्जा प्राप्त किए रहता है। फिर ये वापस लौटता है, यहाँ पहले अपनी स्थिति ऊर्जा में पहुँचता है, ये गति ऊर्जा पहले यहाँ धीरे 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 स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होगा। स्थिति ऊर्जा में जब परिवर्तित हो जाएगा पूर्ण रूप से, तो गति ऊर्जा शून्य हो जाएगी, फिर ये अपने जो है उसी स्थिति में पहुँच जाएगा, और जो कि इस माध्य स्थिति है, इसकी माध्य स्थिति है। माध्य स्थिति और इसी माध्य स्थिति के दोनों तरफ ये गति करता है, इधर भी आएगा और इधर आएगा। जब तक इसकी गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में नहीं परिवर्तित हो जाती है, तब तक ये गति करता रहता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि इसकी गति ऊर्जा शून्य हो जाती है और स्थिति ऊर्जा अधिकतम हो जाती है, और इस जगह पर ये रुक जाता है, फिर ये वही गति दोहराने लगता है। तो इस तरह से जिस तरह से यहाँ आपने माध्य स्थिति समझा, उसी तरह से यहाँ भी यदि ये कंपन करता है, तो एक निश्चित स्थिति के दोनों तरफ ये कंपन करेगा। ये निश्चित स्थिति का मतलब है माध्य स्थिति इसकी ये हो जाएगी, और इस स्थिति के दोनों तरफ ये कंपन करता रहेगा। तो इस तरह से ये जो ठोस होते हैं, इनके कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ कंपन करते रहते हैं, और इनको बहुत अधिक गति की स्वतंत्रता नहीं होती है, यानी ये ज़्यादा गति नहीं कर सकते हैं, इनके कण ज़्यादा गति नहीं कर सकते हैं। तो ये ठोसों की बात हो गई। इसके बाद जो है जैसे द्रव है, द्रव भी स्थान घेरता है, और जिस पात्र में ये रखा जाता है वही इसका आकार हो जाता है। जिस पात्र में रखा जाएगा द्रव को, वही आकार ये धारण कर लेगा। तो द्रव हो गया, और गैसों की बात, द्रवों की जो द्रवों के कण होते हैं वो ठोसों की अपेक्षा उनके कण दूर दूर होते हैं, इनमें स्वतंत्रता होती है, थोड़ी बहुत ठोसों से ज़्यादा स्वतंत्रता होती है। और जो गैस हैं इनके कण द्रवों से भी ज़्यादा दूर होते हैं, और इन्हें बहुत अधिक स्वतंत्रता होती है। जैसे आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि एक जगह पर कहीं इत्र का एक बूंद डाल दिया जाए, तो कुछ देर बाद आप देखते हैं कि इत्र की ये सुगंध एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है, कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि ये गतिशील होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इन्हें जिस पात्र में भरा जाता है उस पात्र में ये रह सकते हैं, लेकिन इनके कण दूर दूर होते हैं। इनका आकार और आकृति दोनों भी निश्चित नहीं होता है। कोई भी पदार्थ तीन अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस है तो उसको जो है ताप देने पर वो पिघल जाता है, यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उस द्रव को यदि और अधिक ताप दिया जाता है तो वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से ये तीन अवस्थाओं में परिवर्तित, मुख्य रूप से तीन अवस्थाओं में परिवर्तित हो सकता है। यदि गैस को पुनः ठंडा कर दिया जाए तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। द्रव को और अधिक ठंडा कर दिया जाए तो वो
ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से आप ने द्रव्य की अवस्थाओं को समझा। आगे हम पढ़ेंगे द्रव्य का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। द्रव्य का वर्गीकरण, अगली चीज हम लोग द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ेंगे। द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ने के पहले थोड़ा सा बंद करिए। द्रव्य का वर्गीकरण हम आपको अगले वीडियो में इसे देखेंगे। आज हमने जो है जितना देखा और पढ़ा, इसे जो है आप पुनरावृत्ति करेंगे और द्रव्य के वर्गीकरण को आगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि द्रव्य कितने प्रकार का होता है और कौन द्रव्य किस तरह से होता है। मैं अनिल मौर्य अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं अधूरा रोक रहा हूं। अगले वीडियो में आप को आगे हम पुनः इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।